क्वेश्चन नंबर 42, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द टू कंपाउंड्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट कर रहा है, ये हमें बताना है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है? जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो सेकेंड एलिमेंट का मास होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा सिंपल रेशियो देता है। लेकिन छोटी सी कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है हमें फिक्स करना होता है, ठीक है। सो इन चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक है। सो इसमें तो एक Na हो गया एलिमेंट, एक Cl हो गया दूसरा, और एक Br हो गया तीसरा एलिमेंट, तो तीन एलिमेंट्स हो गए। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि सिर्फ दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O एंड हैवी वाटर क्या होता है D2O। सो इसमें भी तीन एलिमेंट्स हो गए, एक H हो गया है, एक O हो गया और एक D। सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक सोडा होता है NaOH एंड कॉस्टिक पोटैश होता है KOH। तो NaOH एंड KOH। सो इसमें भी एक Na हो गया, O हो गया, H हो गया और K भी हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गए एलिमेंट्स, तो ऑप्शन सी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड है एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। सो इसमें सल्फ़र जो एलिमेंट है वो कॉमन है, इसका मास भी फिक्स कर दिया गया है। सो जो सल्फ़र और ऑक्सीजन में जो रेशो आएगा मास का, वो क्या आएगा? सिंपल रेशो आएगा। सो ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया।